नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पैसों के लिए आईएस बेच रहा है अपने ही लड़ाकों के अंग। खूंखार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट इस समय पैसों की तंगी से जूझ रहा है। इसी का नतीजा है कि वो अपने ही घायल लड़ाकों को मौत के घाट उतार रहा है, ताकि उनके अंगों को निकालकर अवैध तरीके से विदेशी बाजारों में बेच सके। अरबी अखबार अल सुबह ने इराकी शहर मोसूल के एक अज्ञात सूत्र के हवाले से कहा कि लड़ाई में घायल हुए आईएस के आतंकियों के शरीर के अंग निकालने के लिए डॉक्टरों को धमकाया गया। ईरानी न्यूज एजेंसी फॉर्म के मुताबिक दक्षिणी मोसूल में सुरक्षा बलों से करारी हार के बाद आईएस का बजट बिगड़ गया है, इसीलिए वो मोसूल में घायल हुए अपने लड़ाकों को मार रहा है, ताकि अवैध तरीके से दिल और किडनियों को निकालकर विदेशी बाजारों में बेचा जा सके। विजय माल्या चेक बाउंस मामले में दोषी। विभिन्न बैंकों का 9000 करोड़ का कर्ज चुकाने के बजाय इंग्लैंड में बैठे शराब कारोबारी विजय माल्या पर से मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उन्हें 50 लाख के चेक के बाउंस होने पर दोषी करार दिया गया है। शहर की एक अदालत ने जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा दायर चेक बाउंसिंग के एक मामले में उद्योगपति विजय माल्या को बुधवार को दोषी करार दिया। माल्या के वकील एच सुधाकर राव ने कहा कि अदालत ने माल्या के अदालत में मौजूद नहीं होने के कारण उन्हें सजा नहीं सुनाई। राज्यसभा सांसद पिछले महीने देश से बाहर चले गए थे। जेएमआर के वकील अशोक रेड्डी ने कहा कि अदालत 5 मई को सजा सुना सकती है। खुद की प्रतिमा देख बोले मोदी, ब्रह्मा जी का काम आप कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोम की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। मैडम तुसाद के लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक के संग्रहालय में भारतीय प्रधानमंत्री की प्रतिमा दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब महात्मा गांधी, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे दुनिया के शीर्ष राजनेताओं में शामिल हो गए हैं, जिनकी मोम प्रतिमाएं मैडम तुसाद के संग्रहालय में लगी हुई हैं। मोदी ने अपनी ही मोम की प्रतिमा देखकर कहा कि जहां तक कला का सवाल है, आप लोग माहिर हैं, आपकी टीम माहिर है, और जो काम ब्रह्मा जी कर रहे हैं वो काम आप कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है आज भारत के प्रधान सेवक को मोम के मोदी से मिलने का अवसर मिला।